फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग नाउन विद अ डिफरेंट मीनिंग इन नंबर क्या सीखेंगे. नाउन विद डिफरेंट मीनिंग इन नंबर्स मतलब क्या होता है इसका. इससे पहले वाले वीडियो में मैंने नाउन विद द टू इन प्लूरल्स और नाउन विद द टू मीनिंग इन सिंगुलर दोनों ही बता दिया है. तो अब लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है. नाउन विद द डिफरेंट मीनिंग इन नंबर यानी कि नंबर, जैसे कि एक एग्जांपल दे देते हैं एडवाइस, ठीक है, ये सिंगुलर में है, राइट, समझ में आ रहा है. और अगर हम लोग इसको प्लूरल में चेंज कर देते हैं क्या हो जाएगा, एडवाइसेस हो जाएगा. ओके, ये रहा हम लोग का प्लूरल में. तो दोनों का मीनिंग डिफरेंट डिफरेंट रहता है, सिंगुलर के समय में भी और प्लूरल के समय में भी. ऐसा ना हो कि दोनों का मीनिंग सेम हो. तो वही आज का हम लोग का टॉपिक है. तो पहला वर्ड तो हम लोग का एडवाइज ही है, जो आप लोग देख लीजिए. इसका मीनिंग क्या हो गया, इसका मीनिंग हो जाएगा काउंसिल. ओके, काउंसिल हो गया. और दूसरा वर्ड जो है, मतलब यानी कि इसका प्लूरल में, वो भी एडवाइजेज हो गया, लेकिन इसका मीनिंग अलग है. क्या है इसका मीनिंग, इन्फॉर्मेशन. एडवाइजेज मतलब इन्फॉर्मेशन और एडवाइज मतलब काउंसिल, राइट. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं हम लोग. नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का एयर. इसका मीनिंग हो जाएगा एटमोसफेयर. एयर का मीनिंग होता है एटमोसफेयर, राइट. और इसका प्लूरल में क्या हो जाएगा, एयर्स. एयर्स होगा, लेकिन इसका मीनिंग थोड़ा सा चेंज है. क्या है मीनिंग, एज्यूम्ड डिमीनर. हो गया, डन. नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं. बीफ, ऐसे ही कुछ कुछ वर्ड्स हैं जो कि हम लोग को माइंड में रहना चाहिए जब भी हम लोग इंग्लिश ग्रामर या कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो उस वक्त. तो ब्लीफ है, इसका मीनिंग क्या हो जाता है, फ्लेश ऑफ ऑक्स यानी कि बैल, यानी कि ऑक्स जो है उसका मांस. तो ब्लीफ का मीनिंग हो गया. ब्लीफ का प्लूरल क्या हो जाएगा, बीफ्स. और इसका मीनिंग क्या हो जाता है, बुल्स एंड काउज, राइट. ये हो गया. नेक्स्ट वर्ड हम लोग का क्या है, कंपास. इसका जो सिंगुलर में मीनिंग है उसका मीनिंग तो हो गया रेंज, यानी कि एक रेंज, एक लिमिट के तहत. और जो प्लूरल है यानी कि कंपासेस, इसमें क्या हो जाएगा, एन इंस्ट्रूमेंट. एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि डायरेक्शन का मेजरमेंट, डायरेक्शन हम लोग को पता चलता है, वो हो गया कंपासेस, यानी कि एक तरह का इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट वर्ड है फोर्स. फोर्स का मीनिंग हम लोग को पता है एनर्जी, जो कि सिंगुलर में है. जब हम लोग प्लूरल में चल जाते हैं, फोर्सेस की ओर जाते हैं, तो उस समय क्या इसका मीनिंग आ जाएगा, आर्मी. आर्मी को मीनिंग जो है उसका हो गया फोर्सेस. नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का गुड. गुड का अगर हम लोग मीनिंग देखने चलें तो क्या हो जाएगा, बेनिफिट, फ़ायदा. गुड यानी कि बेनिफिट हो गया. गुड्स, बहुत ज़्यादा हम लोग लिखे हुए ऐसे देखते हैं गुड्स, ये ट्रैवलर्स यानी कि वो सिर्फ चीज यानी कि थिंग्स के लिए वो ट्रेन या फिर लॉरी जो भी हो वो बना हुआ है. अब है फिजिक. फिजिक मतलब होता है मेडिसिन. फिजिक का मीनिंग हो गया मेडिसिन. और अगर हम लोग इसका प्लूरल में चले जाए फिजिक्स, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, नेचुरल साइंस, जो कि एक तरह का सब्जेक्ट है. हम लोग उसको साइंस की जानकारी लेने के लिए पढ़ते हैं. नेक्स्ट वर्ड है रिटर्न. रिटर्न मतलब एक ठो मीनिंग तो होता है कमिंग बैक, ये रहा पहला मीनिंग. अगर हम लोग रिटर्न का प्लूरल करते हैं जो कि रिटर्न्स है, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, स्टैटिक्स. स्टैटिक्स, ओके, रिटर्न्स, स्टैटिक्स एंड रिटर्न कमिंग बैक. यहाँ पे हम लोग सिंगुलर और प्लूरल लिख देते हैं. सिंगुलर, ये सिंगुलर वाला कैटेगरी है, और ये रहा हम लोग का प्लूरल वाला कैटेगरी. सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आया हो. नेक्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हम लोग का इंग्लिश ग्रामर का, वो हो गया हम लोग का जेंडर. जेंडर हम लोग बहुत बार सीखे हैं और बहुत बार जानते भी हैं. तो जेंडर का टाइप कितना है, टोटल जेंडर का टाइप जो है फोर टाइप्स ऑफ जेंडर. ओके, पहला जिसमें से क्या हो गया, पहला नंबर में कौन आ गया हम लोग का, मैस्कुलिन जेंडर, राइट. मैस्कुलिन जेंडर को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में समझते चलेंगे ना तो कॉन्सेप्ट और भी ज़्यादा क्लियर होगा. मैस्कुलिन का मीनिंग हो गया हम लोग का
पुलिंग, ओके, यानी कि मैस्कुलिन मतलब हो गया कि वो नाउन जो ज़्यादातर मेल को डिनोट करे, यानी कि पुरुष जाति के जो नाउन है उसको डिनोट करे, उसको हम लोग बोलेंगे मैस्कुलिन जेंडर, ठीक है। इसके अंडर में जब हम लोग एग्जाम्पल्स देखते हैं कौन कौन आ जाएगा, मैन, किंग, मैन मतलब आदमी जो कि एक पुरुष जाति है, किंग हो गया, ये भी एक किंग है, राजा है, बट वो मैन के कैटेगरी में आता है, और इसका अगर फीमेल वर्सन तो वो क्या हो जाएगा, क्वीन हो जाएगा। तो ये बॉय हो गया एग्जाम्पल, ये कॉक हो गया, बुल है, फादर, लायन, मास्टर, एक्सेट्रा, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जो मैस्कुलिन के जेंडर के कैटेगरी में आता है। तो ये रहा मैस्कुलिन का। दूसरा नंबर क्या है हम लोग का, नंबर टू में कौन हो जाएगा, फेमिनिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग होता है इसका मीनिंग, हिंदी मीनिंग अगर हम लोग देखने चलते स्त्रीलिंग हो जाएगा, और वो सभी नाउन जो कि किसी भी फीमेल जाति को यानी कि स्त्री जाति को डिनोट करे वो हो गया हम लोग का फेमिनिन जेंडर। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख लेते हैं कुछ वर्ड्स है, वीमेन जो एक स्त्रीलिंग वर्ड है, क्वीन जैसे कि मैंने अभी पहले बताया था, गर्ल लड़की, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग यानी कि फेमिनिन है, काओ मदर। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का लायनेस, मिस्ट्रेस, जिसका अगर मिस्ट्रेस का अगर हम लोग मैस्कुलिन में चले मीनिंग देखने जाए तो उसका होगा मिस्टर, तो मिस्ट्रेस हो गया, एक्सेट्रा, और बहुत सारे होते हैं ऐसे ही। थर्ड जेंडर जो है वो क्या है, कॉमन, कॉमन जेंडर, जो थर्ड जेंडर है हम लोग का उसका नाम हो गया कॉमन जेंडर, और हम लोग हिंदी में इसको क्या बोल देते हैं, उभय लिंग, राइट। कॉमन जेंडर का मीनिंग हो गया उभय लिंग। उभय लिंग का डेफिनेशन क्या है, तो अ नाउन एक ऐसा नाउन जो कि पुरुष और स्त्री दोनों को ही डिनोट करे वो हो गया हम लोग का कॉमन जेंडर यानी कि उभय लिंग। जैसे कि बेबी, एग्जाम्पल के लिए हो गया बेबी, ठीक है, ये जो बेबी है मेल भी हो सकती है फीमेल भी हो सकती है, लेकिन हम लोगों को पता नहीं रहता इसलिए हम लोग उसका एक नाम दे देते हैं बेबी, जो मेल भी हो सकता है फीमेल। थीफ भी, कोई चोर है भाग रहा है, कैसे पता चलेगा फीमेल है कि मेल है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है। ये रहा ऑर्फेन, ऑर्फेन भी एक लड़की यानी कि लेडी ऑर्फेन हो सकती है, या फिर एक मैस्कुलिन जेंडर भी ऑर्फेन की कैटेगरी में आ सकता है। दूसरा है पेरेंट, नेक्स्ट है एनिमी, एनिमी किसी का दुश्मन है, ये जो वर्ड है एनिमी, ये जो किसी का दुश्मन मीनिंग इसका हो रहा है, तो वो मैस्कुलिन भी हो सकती है फेमिनिन भी हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है हम लोग का बर्ड, प्यूपिल, पीपल मीन्स होता है स्टूडेंट्स, फ्रेंड एक्सेट्रा, और बहुत सारे वर्ड्स हैं जिससे कि हम लोग को कॉमन जेंडर का पता चलता है। फोर्थ नंबर का जेंडर है न्यूटर जेंडर, जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, नपुंसक लिंग, ये हो गया चौथा वाला। तो इसका डेफिनेशन पहले जान लेते हैं हम लोग, वो सारा नाउन जो ना तो मेल है और ना ही फीमेल है, दोनों ही नहीं है बल्कि न्यूटर है। जैसे कि एग्जांपल के लिए दे देते हैं हम बॉल, ये ना मेल है और ना ही फीमेल है, ये तो एक चीज़ है ना, और इसको हम लोग मेल या फीमेल नहीं बोल सकते, ये बॉल है, तो इसलिए ये जो है न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आएगा। पेपर, ग्लास, रेडियो, बुक, रूम, पेंसिल, साइकिल एक्सेट्रा, ये सब क्या हो गया हम लोग का न्यूट्रल जेंडर के कैटेगरी में आता है, यानी कि ये ना तो फीमेल है और ना ही मेल है बल्कि एक न्यूट्रल जेंडर यानी कि नपुंसक लिंग के अंदर में आता है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, हम लोग इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में चेंज ऑफ द जेंडर वो वाला टॉपिक को डिस्कस करेंगे, यानी कि मैस्कुलिन से फेमिनिन में कैसे चेंज करेंगे, उसका कितना है टोटल 7 रूल्स है जो कि हम लोग को नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को आज की इस वीडियो का टॉपिक कंटेंट पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और डेली नए अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।